आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ के दीवानी कोर्ट में हाल ऑफ जस्टिस में पराविधिक स्वयं सेवक दल का एक दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारम्भ जनपद न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि जनपद में कई ऐसे पीड़ित लोग हैं जिनको विधिक मदद की जरूरत होती है। समाज का एक ऐसा वर्ग है जो पीड़ित और निचले पैदान पर है, कार्यालयों, थानों और न्यायालय में जाने से डरता है, जिसको वास्तव में मदद की जरूरत है। इसी उद्देश्य को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से पराविधिक स्वयं सेवक दल का चयन किया गया है। ये अधिवक्ता नहीं होंगे बल्कि कानून की थोड़ी बहुत समझ के ऐसे लोग हैं जिनको ट्रेनिंग देकर मानदेय पर रख पात्र लोगों की मदद की जाएगी। ट्रेनिंग में PLB गढ़ को बताया गया कि बतौर स्वयं सेवक उनका क्या कर्तव्य है, कैसे जनता से रूबरू होंगे, उनको कैसे पात्रों का चयन करना है, कैसे लोगों को जागरूक करना है, किस प्रकार से उनको विधिक मदद पहुंचानी है। सुनते हैं जनपद न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खरवाल। उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ द्वारा हम लोगों ने जनता के सेवा कुछ पराविधिक स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं का चयन किया है और उनका काम यह है कि समाज के जो पात्र व्यक्ति हैं, जो विधिक सेवा के हकदार हैं, उनको विधिक सेवा सुलभ कराएं। किंतु इस सेवा को सुलभ कराने के पहले इन लोगों का प्रशिक्षण आवश्यक है। इसी उद्देश्य से आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रशिक्षण द्वारा इनको क्या क्या सुझाव दिए गए हैं? सबसे पहले इन्हें ये बताया जाएगा प्रशिक्षण के दौरान कि आपका पराविधिक सेवी कार्यकर्ता के रूप में क्या कर्तव्य है, कैसे आप जनता से अपने आप को रूबरू करेंगे, न्यायालय के एक प्रतिनिधि के रूप में आप उनसे किस प्रकार व्यवहार करेंगे। दूसरीता यह बताया जाएगा कि पात्र व्यक्ति कौन हैं जिन्हें विधिक सहायता आपको सुलभ करानी है। और तृतीयता इन्हें यह भी अवगत कराया जाएगा कि जब भी आपको यहाँ पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय पर आहूत किया जाएगा, कोई आपको कार्य विशेष प्रचार प्रसार का सौंपा जाएगा, कि बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं हमारे जो कि हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में कराते हैं। जैसे कुछ हम लोग कैंप्स लगवाते हैं, उन कैंप्स के माध्यम से हम जनता जनार्दन को ये बताते हैं कि ये स्कीम्स हैं, ये योजनाएं हैं, इन योजनाओं के बारे में आप आगे आएँ, इनका लाभ उठाएं। एक विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम भी है, डिटेल में हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर इसको बताएंगे। यहाँ पर ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि इनको प्रशिक्षित किया है। प्रशिक्षकों को क्या अधिकार रहेगा, क्या मुख्य रहेगा? प्रशिक्षकों को सबसे मुख्य अधिकार तो ये पे देखिए, इनका नाम ही है स्वयं सेवी कार्यकर्ता, साथ में जोड़ा गया है पराविधिक। पराविधिक का मतलब ये है कि इन्हें कानून की थोड़ी बहुत जानकारी रहेगी, लेकिन ये वकील नहीं है, पहली बात तो ये। और स्वयं सेवी कार्यकर्ता के रूप में इनको हम जो सबसे पहले काम करेंगे कि इनका कुछ निदान देंगे, इनको कुछ मानदेय है, इनका नियत मानदेय सिटिंग के हिसाब से वो इनको मिलेगा। जनता में किस प्रकार से ये जा करके। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।